रात्रि में जब इनके मार्ग में जब भगवान विश्राम करते हैं तो हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। नमस्कार, आज हम लोग आए हैं सतरंजी मोहाल कानपुर, जो कि मतलब बोल दीजिए विराना रोड के आसपास ही पड़ता है। मंदिर का नाम है श्री राम जानकी मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री जानकी के। मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और ये रोड के किनारे है बिल्कुल, तो मतलब काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु। जय श्री राम। जय हो प्रभु। जय हो। यहाँ पे आपको गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता श्री सीता और भ्राता श्री लक्ष्मण और हनुमान जी भगवान जी के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत कारीगरी की गई है। देखिए मंदिर के जो मुख्य द्वार बोला जाता है वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे आपको माँ के दर्शन होते हैं। जय माता दी। जय माँ। जय माँ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। यहाँ पे आपको पंच रूप में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। जय। और यहाँ पे आपको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। जय हो भैरव बाबा। जय हो भैरव। जय हो। जय हो। बहुत ही अद्भुत। आइए आइए इस मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। जय हो प्रभु। जय हो। जय श्री राम। 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 बहुत ही अद्भुत। वो हमारे साथ यहाँ इस मंदिर के पंडित जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है अभी कि जो द्वार पे मूर्तियाँ बनी हैं उनके बारे में विश्लेषण किया है। सो अभी मैं उनसे पूछता हूँ दोबारा से, वो बताएंगे और कुछ इस मंदिर की कहानी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। वो ये मंदिर जो है आज से लगभग 75 साल पहले, लगभग अनुमानता ये है कि 75 साल से भी पूर्व प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर दो भाई रहते थे, गुरुचरण और गया प्रसाद, और वो मूंगफली का ठेला लगा करके मूंगफली बेचते थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए गृह निर्माण मानसिक स्थिति को सोच करके उन्होंने ज़मीन को ख़रीदा था और इस ज़मीन के अंदर अपना मकान बनाना चाहते थे। यहाँ पर एक बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष का था। पीपल के वृक्ष को उन्होंने कटवाया। कटवाने के बाद जब वो दीवार खड़ी करने लगे तो दिन में मिस्त्री और मालिक लोग खड़े होकर के उसको बनवाते थे, और रात्रि में जब वो लोग चले जाते थे तो सवेरे आकर के वो पूरी पूरी दीवार गिर जाती थी। उसके बाद परिवारजनों ने जाकर के अच्छे अच्छे ज्योतिषाचारों और ज्ञानी लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा इस स्थान के अंदर भगवान की स्थापना करी जा सकती है, ना कि आप गृह निर्माण कराएं, आपके भविष्य के लिए और आपके जीवन काल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तब ये विचार करने के बाद उस समय इसी ये जो पारिवारिक मत में जो भी निर्णय हुआ उसके बाद ये प्राचीन राम जानकी मंदिर स्थापित किया गया। इस मंदिर का नाम राम जानकी मंदिर है, सतरंजी मोहाल, और ये एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसके अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं। जैसा कि आप गर्भगृह के अंदर देख रहे हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके बाएं अंग में माता जानकी विराजमान हैं और दक्षिण में भगवान लक्ष्मण
और नीचे उनके लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों के पास हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और शालिग्राम की एक शिला वहाँ पर बैठी हुई आपने देखा होगा और बगल में लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हैं। और यहाँ पर कानपुर शहर के एक से एक अच्छे गायक, जिनका कि शहर नहीं लक्खा सिंह के जितने भी गायकी है, वो हमारे पप्पू बेधड़क जी उस गाने को लिखते हैं, वो भी करीब 2 साल यहाँ पर रहे और उन्होंने साक्षात यहाँ पर भगवान का रात्र में जब इनके मार्ग में जब भगवान विश्राम करते हैं तो हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा मार्ग में अगर कोई आदमी सही स्थिति में अगर नहीं लेटता है, हनुमान जी हमारे अगर दर्शन नहीं, परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो उसको अति शीघ्र ऐसी क्षति देते हैं, उसके बाद से वो कभी पुनः नहीं लेटता। और आप ये देखिएगा, एक पुराने हमारे यहाँ पर आचार्य जी थे जिनकी उम्र करीब इस समय 95 साल है, अकबरपुर के पास रहते हैं, उनका नाम है राम लखन जी। वो जब यहाँ रहते थे तो ये द्वार बना हुआ है, रात में शयन करने के बाद जब शयन कराया जाता था इन पटों को हम लोग बंद कर देते हैं, और जैसे ही रात में 12:30 एक बजती थी ये सब लोग यहाँ सोते रहते थे, सब एक साथ चुप रहते थे और खट खट दोनों पट खुलते थे और भगवान यहाँ से, हम लोगों की मानसिक सोच ऐसी रहती थी जो उन्होंने हमको बताया, जो पुराने आचार्य जी थे उन्होंने बताया कि योगेंद्र बेटा यहाँ से भगवान डेली विचरण करने के लिए बाहर जाते थे और प्रातःकाल फिर पुनः यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाते थे। और साथ में ये भगवान राम का दरबार हो गया, ये भगवान की बाल अवस्था है, बाल अवस्था का एक श्रृंगार स्वरूप झांकी लगी हुई है, राजा दशरथ और तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और केकई, और उनके बगल में जो दोनों बने हुए हैं ये भगवान लक्ष्मण भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं, और नीचे द्वारपाल पे ये जय और विजय यहाँ पर विराजमान है, और ये देवादिदेव माता कात्यायनी जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो वो संकल्पित होकर के इस भगवती आके उपासना करता है तो उसकी विवाह का कार्य अति शीघ्र संपादित होता है। और कई महिलाएं ऐसी हैं, कई 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 कन्याएं हैं अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं, भगवती की सेवा करते हैं तो उनका लाभ मिलता है और फिर पुनः वो आकर के भगवती की जो भी भोग प्रसाद होता है वो करते हैं। बगल में हमारी दुर्गा जी हैं और ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज दक्षिण की तरफ विराजमान है और इन्हीं के ठीक सामने भैरव जी महाराज विराजमान है। जैसा कि दरबार के लिए कहा जाता है, जब दुर्गा जी का जो दरबार होता है तो आगे की तरफ हनुमान जी और पीछे की तरफ भैरव जी, उसी तरीके से इस मंदिर का भी जिन्होंने निर्माण किया है, जिन आचार्य गणों ने सहयोग किया इसका, उन्होंने राम दरबार ऐसे रखा और दक्षिण की तरफ हनुमान जी, आगे की तरफ पंचमुखी हनुमान जी और उत्तरार्ध में भैरव जी को विराजमान किया। और ये नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है और शिव पंचायतन मंदिर बना हुआ है, इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता पार्वती, नंदीश्वर बाबा और भगवान शिव। और कलिकाल में सबसे ज़्यादा शिवलिंग का जो उपासना है वो श्वेतलिंग की उपासना है, कलिकाल में श्वेतलिंग की जितनी महत्ता है वो किसी लिंग की नहीं। और मैं ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ लेकिन भगवान की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद है, आज आप देखिए, मैं नहीं बताता, आप खुद ही आप चिंतन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत के अंदर, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के भी ऊपर जो नाम चलता है वो एक ही नाम चलता है, अमरनाथ। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। क्यों? क्योंकि वो श्वेतलिंग है, कलिकाल के अंदर श्वेतलिंग का जो प्रावधान है, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की समस्या से अगर युक्त है और भगवान शिव से अगर कोई आकांक्षा है तो श्वेतलिंग की उपासना करेगा तो उसके कार्य को अति शीघ्रता से उसका कार्य संपन्न होगा। और भगवान कृपा से यहाँ पर हमारा श्वेतलिंग ही विराजमान है और भगवती की कृपा से एक यहाँ पर ये माता गंगा जी का विराजमान है और गंगा जी के साथ साथ उधर हमारी माता अन्नपूर्णा भी विराजमान है। और ऊपर की तरफ गरुड़ महाराज और उधर हनुमान जी महाराज और भगवान के चरणारविंद के यंत्र की चरण पादुकाएं बनी हुई हैं, संघ पद्म जो बनता है कलश वो पूरा मंदिर विराजमान है।
एक छोटा सा प्रश्न था, जो ये चक्र शंख और तिलक बनता है बेसिकली, ये आप तिरुपति बालाजी अगर जाते हैं तो वहाँ पे तिलक होता है, सो क्या तिलक का मतलब यहाँ चरण है क्या है? भगवान के चरणों का ही ये तिलक जो लगाया जाता है, भगवान के चरण पादिका की ही महत्ता मान करके ही चरणों को अपने मस्तक में लगाए जाते हैं, ये जो मस्तक जो, और ये जो है ये वैष्णव श्रवण दो प्रथाएं हैं, तो जो रामानुज ही होते हैं वो हमेशा तीन टीके लगाएंगे या सिंगल टीका लगाएंगे, और जो रुद्र उपासक होते हैं वो त्रिपुण लगाते हैं, और जो देवी उपासक होते हैं वो बीच में लाल रंग की बिंदी का, यानी कि ये चिन्हित किया जाता है कि ये किस देवता का उपासक है, और जो तांत्रिक होते हैं उनको आपने देखा होगा काले रंग का लगा कर घूमते हैं। तो सात्विक जीवन के अंदर जो रामचंद्र जी हैं या लक्ष्मण भगवान कृष्ण हैं भगवान विष्णु हैं, इनकी जो भी उपासनाएँ होती हैं उसमें वो त्रिपुंड ना लगा करके भगवान के चरण पादिका का ही उल्लेखन करके लगाया जाता है। और जब भी टीका लगाया जाता है, आपने एक बात गौर करी होगी, जो देवताओं के जब भी टीका लगाया जाता है तो उसको इस आकार में बनाने के बाद एक यहाँ पर बिंदु दिया जाता है। टीका लगाने का प्रावधान ही ये होता है कि टीका जो लगता है वो भ्रकुट के मध्य में जो टीका लगता है वही टीका महत्वता होती है, बाकी यहाँ पर टीका लगाने का इतना बड़ा महत्व नहीं होता। टीके का मेन महत्व यहीं से है, जो भ्रकुट के मध्य में। और मैं योगेंद्रनाथ पांडे योगी जी, और यहाँ पर इस मंदिर में रह करके ब्राह्मण परिवार के बच्चों को संस्कार और साथ में उनको अध्ययन पाठन पठन का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है, और भगवान कृपा से सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो और प्रसार हो, इसी के लिए मैं तत्पर लगा रहता हूँ। और हिंदू सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।